बताने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया, हर पर्सन अपने आप में 100% होता है। ये सिर्फ एक सोचने का अपना अपना तरीका होता है लोगों का। तो आप अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नॉट अ नेगेटिव। जैसे कि हम लोग कोई शो देखते हैं, एपिसोड या मूवी देखते हैं, तो हमेशा उस मूवी या शो में हमेशा विलेन और हीरो ही दिखता है, या विलेन या हीरोइन ही दिखती है, या कोई एपिसोड नहीं देखते हैं हम लोग सास बहू और सासिस में ही। तो अगर जो पॉजिटिव एक्टिंग कर रहा है तो वो हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, हम लोग पसंद करते हैं, वो ज़्यादा ही जल्दी लोगों के दिल में अपना जगह बना लेते हैं। लेकिन नेगेटिव जो रोल करता है उतना जल्दी दूसरों के मन में अट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल फॉर कोई आप एपिसोड का देख सकते हो, जो आपका फेवरेट एपिसोड है उसमें आप देख सकते हो, जो आपका फेवरेट कंटेंट है उन्हें तो आप बहुत पसंद करते हो। लेकिन जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं आप उन्हें पसंद नहीं करते हो उनके नेगेटिव रोल के कारण। तो इसीलिए आप भी अपने आप में पॉजिटिव रहो कि लोग आपको पसंद करें और आपसे अट्रैक्टिव रहें। नेगेटिव रोल रखने से, नेगेटिव रोल रखने से आपके साथ बहुत ही लोग गलत व्यवहार करेंगे, आपको नापसंद करेंगे। इसलिए हमेशा अपने मन में पॉजिटिव रखो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमेशा सोने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचो कि आपने 24 घंटा में ऐसा क्या किया है जिसे आपको लोग पसंद करेंगे। अपना एक पॉजिटिव थॉट लेकर सो और अगली सुबह उठो तो एक नए सोच के साथ उठो। कहीं ना कहीं हम लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, हमेशा हर व्यक्ति में कोई खास हुनर ज़रूर होता है, कोई एक ऐसा हुनर आप में ज़रूर होगा जो आपको दूसरों से अलग करता होगा, ज़रूर होगा। जैसे मान लीजिए आपको पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, या स्टडी पसंद है, या स्टडी करवाना, टीचिंग पसंद है, जितने भी लाइन है, तो ऐसा लाइन ज़रूर होगा जो दूसरों के मुकाबले आप उस चीज़ में बेटर होंगे। तो इसीलिए आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, उस पर फोकस करो, स्टडी करो और रिसर्च करो कि आप उसको और इतना अच्छा कैसे कर सकते हो। आप चाहो तो अपने अंदर के टैलेंट को और अच्छा करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए आप उस पर 2-3 टिप्स ऐसे हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट टिप है, आप रात में सोने से पहले आप एक बार अपना शेड्यूल बना लें कि अगली सुबह हमें क्या करना है, कैसे करना है। और हाँ, रियल ही लिखें, गलत नहीं। हाँ, ऐसा लिख देना है सिर्फ नहीं कि हाँ अगले सुबह मैं 12 घंटा लगातार पढ़ूंगी, 11 घंटा लगातार पढ़ूंगी, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। ऐसे आपका माइंड भी आपसे नाराज हो सकता है, कहो तो ऐसे। और आपका ऐसे में आपका माइंड भी आपसे कहेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी झूठी निकली। तो इससे अच्छा है आप अपने माइंड को फिक्स करें और आप वही शेड्यूल बनाएं जो सच में आप अगले सुबह में करते हो, या डेली रूटीन ही है जो आपका, वो जरूर करें। और मैंने पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अपने में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो सच में, तो आप अगर शक्ल से या किसी भी चीज़ से आप में कुछ कमी है, तो आपका जो सोच है आपको सच में बहुत ही खूबसूरत बना देगा दूसरों के नज़र में। आप इस चीज़ को मानो। बहुत खूबसूरत है और एक उतनी अच्छी नहीं है, साकाली है। तो अगर कोई फैमिली मेम्बर घर में आता है तो जो अच्छी है, दिखने में जो अच्छी है, वो सबसे रूडली बात करती है, उनमें सारा बहुत सारा ईगो है, तो लोग उन्हें नापसंद करते हैं उनके नेगेटिव थॉट के कारण। और जो सुंदर जो सावली है, जो उतनी खास नहीं लगती, लेकिन उनका सोच, उनका विचार, उनका बोली से लोग को अपने और आकर्षित करती है, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने माइंड हमेशा सबके लिए, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए पॉजिटिव थॉट रखें, नेगेटिव नहीं। नकारात्मक आपको आपके लिए हानिकारक है, हम सबके लिए हानिकारक है। और ऐसे नहीं कि नकारात्मक होता नहीं, सब में होता है, थोड़ा ना बहुत सब में होता है। कितना भी इसे दूर भागोगे तो ये आपके पास ही आएगा। और पॉजिटिव को कितना भी चाहोगे कि वो मेरे करीब आए, लेकिन वो आपसे दूर आएगा। इसलिए कोशिश करो कि पॉजिटिव थिंकिंग को माइंड में लाए और नेगेटिव को दूर करें। अगर आपने स्टार्ट कर दिया अपने लाइफ में डेली रूटीन में, तो आपको पता चल जाएगा कि सच में आपके अंदर का टैलेंट क्या है, आप क्या कर सकते हो दूसरों से अलग जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, आप क्या ऐसा अचीव कर सकते हो जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, अलग दिखाएगा और अलग करेगा। तो इसलिए अपने इस चीज़ पे फोकस करें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें ही। अगर
आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।